तो दोस्तों जगन्नाथ रसोई के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार होता है। ये मशीन रोटी बनाने की, और यहां पर रोटी बनाने की ये मशीन है जहां पर लगातार रोटियां बनाई जाती हैं। और ये देख सकते हैं भोजन की थाली लगाई जा रही है। सामर, इडली, रसभरी। अच्छा, रस मिठाई भी है? हाँ, मिठाई रसभरी। अच्छा, इसमें आलू ऐसे ही ये बॉयल करने के बाद ये कच्चे आलू डाल के छिले जाते हैं? कच्चे आलू छिलते हैं। अच्छा, कच्चे आलू इसमें डाल दिए जाते हैं और छिलते सब्जी वगैरह काटी जाती है। अच्छा, इससे सब्जी काटी जाती है। तो मशीनें काफ़ी यूज की गई हैं ताकि जल्दी से भोजन बनाया जा सके। हैं अच्छा, अभी इडली बन रही है। वाह, 20 रुपए में तो अच्छी चाय भी नहीं मिलती और 20 रुपए में यहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है। तो दोस्तों राधे राधे। और वृंदावन की सीरीज में मैं एक और प्रमुख स्थान पर पहुँचा हूँ। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेला चलता रहता है, उसी तरह मथुरा में भी कुंभ मेला होता है। और अभी कह सकते हैं एक साल पहले भी हरिद्वार कुंभ मेला से पहले यहाँ कुंभ लगा था। तो इस तरफ ये कुंभ क्षेत्र है, आप ये देख सकते हैं, ये कुंभ क्षेत्र है और वृंदावन का कुंभ क्षेत्र है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, बहुत सारे संत महात्मा पहुँचते हैं। इस स्थान को जगन्नाथ घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर है। और ये मंदिर अभी बंद हो चुका है, इस वजह से आपको दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के पास जगन्नाथ रसोई भी है। तो दोस्तों जगन्नाथ रसोई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये वृंदावन का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। जो श्रद्धालु वृंदावन आते हैं वो जगन्नाथ रसोई आते हैं, उनको अगर इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर जो भोजन मिलता है वो बहुत ही कम प्राइस में अच्छा भोजन मिलता है। तो अभी हम जगन्नाथ रसोई के अंदर ले चलेंगे आप सभी को, और यहाँ पर जो भोजन की थाली है वो दिखाएंगे। और जो भोजन का शुल्क है वो मात्र 20 रुपये है। 20 रुपये में आपको अच्छा भोजन मिलेगा। अगर आप ठंड के सीजन में आते हैं तो यही भोजन 10 रुपये में आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होती है, तो इस वजह से गर्मी के दिनों में इसका शुल्क 20 रुपये कर दिया जाता है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं जगन्नाथ रसोई में और वहाँ की जो भोजन थाली है वो दिखाएंगे, और वहाँ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलेगी, ताकि आप जब भी वृंदावन पहुँचे तो आसानी से यहाँ पर आ सकें और भोजन कर सकें। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों जगन्नाथ रसोई का जो प्रमुख गेट है जहाँ से श्रद्धालु एंट्री करते हैं भोजन करने के लिए, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, वो ये गेट आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा है जगन्नाथ रसोई, और कई जगह 20 रुपये में भरपेट भोजन लिखा हुआ है, कई जगह 10 रुपये है। तो मैंने समय बता दिया है कि कब 20 रुपये भोजन रहता है और कब 10 रुपये भोजन रहता है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों जगन्नाथ रसोई के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, और यहां पर देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, जो शुल्क है भोजन का वो यहां लिखा है, और समय भी लिखा है कि कौन से समय में भोजन 10 रुपये का होता है और कौन से समय में 20 रुपये का होता है। उसके साथ यहां पर मेनू लिखा हुआ है कि भोजन में इस समय यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। उसके साथ साथ जो यहाँ पर व्यवस्था को देखते हैं उनसे बातें भी करेंगे। तो राधे राधे सर, कैसे हैं आप? राधे राधे, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो जगन्नाथ रसोई का जो मैनेजमेंट है या कह सकते हैं यहाँ की व्यवस्था आप ही देखते हो? नहीं, हमारे स्वामी जी देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर? हम तो शिष्य हैं उनके चलाने के लिए। अच्छा अच्छा, सेवा चलाने के लिए हम तो। तो कैसे मैनेज हो पाता है, जैसे कि 20 रुपये में 10 रुपये में भोजन? दानदाता है, कभी हिंदुस्तान में दानदाता। तो आज भोजन में क्या क्या है इस समय? ये देख लो, इसमें चावल है, इडली है, गरम गरम रोटी है, गरम गरम बूंदी का रायता, मीठी मीठी रसभरी है, गोभी आलू की सब्जी है, ये पूरा मेनू। तो दोस्तों आज के इस महंगाई के ज़माने में आप सभी जानते हैं कि 20 रुपए में तो अच्छी चाय भी नहीं मिलती और 20 रुपए में यहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, और वहीं कुछ महीने के लिए 10 रुपए में भोजन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं एक सेवा है जो यहाँ पर संत महात्मा, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं
ताकि वो भर पेट अच्छा भोजन कर सके। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह किस टाइम मिलता है? 7:30। 7:30 बजे क्या क्या होता है उसमें? खिचड़ी होती है, चाय होती है। अच्छा, खिचड़ी होती है, बाल भोग होता है, और उसके बाद दोपहर में एक पूरा जो भोजन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अंदर भी रसोई चलती है और निःशुल्क है, उसे कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है? दिन में 11:30 से 12 बजे होती है। तो दिन में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, कितने श्रद्धालु लगभग आ जाते हैं आप भोजन? अच्छा, 500 से लेकर 1000 श्रद्धालु डेली पर भरपेट यहाँ पर भोजन करते हैं। तो अभी जैसे इसका भोजन का चार्ज है वो 20 रुपये है, और बाकी भोजन का चार्ज 10 रुपये बिजली बोल के हमने चार्ज दिया अभी फिलहाल के लिए, और अक्टूबर में यही कम हो जाएगा। अक्टूबर में कम हो जाएगा? अक्टूबर से कितना होता है ये? 10 रुपये हो जाएगा अक्टूबर से फरवरी तक। अच्छा, जैसे कोई यहाँ पे पहुँचना चाहे तो अच्छी लोकेशन क्या है इस जगह का? परिक्रमा हमारा जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ घाट। अच्छा, परिक्रमा जो वृंदावन की परिक्रमा होती है इसी मार्ग से होती है, जो बाहर रास्ता है जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ घाट पूछते हुए कोई यहाँ आ सकता है। तो दोस्तों, जगन्नाथ रसोई के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार होता है। ये मशीन रोटी बनाने की, और यहाँ पर रोटी बनाने की ये मशीन है जहाँ पर लगातार रोटियाँ बनाई जाती हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभम जी। तो आप रोटियां बनाने का काम करते हैं? अभी फिलहाल रोटी नहीं बन रही है। अच्छा अच्छा, अच्छा वो आटा गूंथने वाली मशीन है, ये लोई काटने वाली मशीन है, और ये वाली है इसमें गरम गरम रोटियां बनके तैयार होती हैं। ये छोटी वाली? अच्छा, ये छोटी वाली मशीन है, इससे रोटियां बनके निकलती हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये मशीन आप देख सकते हैं, इसमें 600 रोटियां एक दिन में, एक घंटे में इसमें 600, इसमें 1200। अच्छा, ये बाद में लगाई गई मशीन? पहले आई बात। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों इस मशीन में एक घंटे में 1200 रोटियां बनकर तैयार होती हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उनको सही समय पर अच्छा भोजन मिल सके। और ये देख सकते हैं भोजन की थाली लगाई जा रही है। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे, राधे राधे। कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? ठाकुर विजयपाल सिंह। ठाकुर विजयपाल सिंह, मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। तो आप इस समय क्या भोजन की थाली लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। कितनी थालियां दिन में लगा देते हैं आप? कम से कम 1000-1500-2000। अच्छा, जैसे श्रद्धालु आते हैं वैसे लगभग 1000-1500-2000 तक श्रद्धालु? तो भक्तगण अच्छा खासा प्रसाद लेते खाते हैं बड़े प्रेम से। अच्छा, क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में इतने कम रुपए में भोजन कहीं नहीं मिल सकता, अच्छा अच्छी क्वालिटी। तो आज भोजन में क्या क्या है जरा बताएंगे? सामर इडली रसभरी। अच्छा, मिठाई भी है? हाँ, मिठाई रसभरी। तो देख सकते हैं 10 रुपए के भोजन में आपको मिठाई भी मिलेगी, 2 रसभरी की पीस है ये, देख सकते हैं चावल है, इडली है, सब्जी है, रोटियाँ हैं, रायता। तो समझ सकते हैं कि 20 रुपये में और क्या मिल सकता है। 20 रुपये में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको सिर्फ एक चाय मिलेगी। हाँ। जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई होगी। ऐसे लगातार भोजन बनता रहता है। गांव से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जगन्नाथ मंदिर में आइए और वहाँ का प्रसाद पाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जगन्नाथ बाबा की जय हो। ऐसी जगह पहली बार देखी है जहाँ पर श्रद्धालुओं को बुलाया जाता है और मात्र 20 रुपए में अच्छा भोजन कराया जाता है। चावल की मशीन है। अच्छा, चावल की मशीन भी है? हाँ, इसमें इडली भी बना लो, चावल भी, डोसा वगैरह। चावल बना लो, इडली बना लो, डोसा बना लो। हाँ, इसमें ऐसे चावल बनते ही रखे। अच्छा, ऐसे ये प्लेट में लगा कर इसमें रख दिए जाते हैं? ये स्टीम बॉयलर है, एक तरह से स्टीम के द्वारा बॉयल किया जाता है। और भी आलू छीलने की मशीन है। अच्छा, आलू छीलने के लिए भी मशीन है? हाँ, सब मशीन गाँव से होता है, मशीन थोड़ा होता है, आलू छिले जाते हैं। अच्छा, इसमें आलू ऐसे ही ये बॉयल करने के बाद ये कच्चे आलू डाल के छिले जाते हैं? कच्चे आलू छिलते हैं। अच्छा, कच्चे आलू इसमें डाल दिए जाते हैं और छिलते हैं, सब्जी वगैरह काटी जाती हैं। अच्छा, इससे सब्जी काटी जाती हैं। तो मशीनें काफ़ी यूज की गई हैं ताकि जल्दी से भोजन बनाया जा सके। हमारी सब्जी वगैरह तैयार होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी ये कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। हाँ, अच्छा, अभी इडली बन रही है। वाओ, तो दोस्तों देख सकते हैं इडली बनाने की ये मशीन है, और इसमें
लगभग 6 प्लेट रखी हुई हैं जिसमें बहुत सारी इडली आपको दिखाई दे रही होंगी। कितना टाइम लगता है इडली बनाने में? इसमें 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट में इतनी इडली बनके तैयार हो जाती हैं? अच्छा, इडली जो है ये डेली भोजन में रहता है क्या? अच्छा, हफ्ते में एक बार। तो सर कौन सा ऐसा भोजन है जो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पसंद करते हैं यहाँ पर? वैसे तो भोजन सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो? चावल। अच्छा, सांभर दाल। हाँ, सब्जी। अच्छा अच्छा, और मीठे में खीर। अच्छा, मीठे में खीर बनती है। खीर कौन से दिन बनती है? खीर साहब परसों बनी थी। अच्छा, परसों बनी थी, तो आज शनिवार है और बृहस्पतिवार को बनी थी है? और रायता बहुत पसंद है। अच्छा, रायता भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर रहे हैं उनसे बातें करेंगे। और भरपेट भोजन है तो उसके लिए अलग से भी यहाँ पर भोजन लगाया गया है, ताकि श्रद्धालु भोजन समाप्त होने के बाद दोबारा आकर यहाँ से भोजन ले सके। तो भोजन समाप्त होने के बाद दोबारा आकर यहाँ से आप भोजन ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं वो भोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों जगन्नाथ रसोई में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि भोजन कैसा है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? उज्जैन महाकालेश्वर से। उज्जैन महाकाल से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का भोजन? अत्यंत स्वादिष्ट। अत्यंत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार यहाँ पर आए हैं या पहले भी आए हैं यहाँ पर? रहते हैं जी, यहाँ भोजन के लिए पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए। कैसे पता चला यहाँ पर कि 20 रुपए में मात्र भोजन मिलता है, वो भी इतना अच्छा? 20 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, 20 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भोजन पेट तो महत्वपूर्ण है, स्वाद महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो सात्विक वैष्णव भोजन वृंदावन में उपलब्ध हो पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये पसंदीदा भी है कि हम लोगों के सात्विक भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। राशि महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी दान के तौर पर हमसे ली जा रही है, तो ये पसंदीदा है और ये बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है भाई साहब आपको भोजन यहाँ का? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी पहली बार आए हैं जगन्नाथ रसोई में? क्या अच्छा लगा वैसे भोजन में? बहुत सारे हैं यहाँ पर, सब्जी है, दाल है, रायता है, रोटी है, सब्जी बहुत अच्छी है, सभी अच्छा है। अच्छा, सभी कुछ बहुत अच्छा है। और आपको भाई साहब? हम भी सभी कुछ अच्छा लग रहा है। सभी कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा और सात्विक भोजन है, शुद्ध भोजन है। क्योंकि आज कल अगर आप बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं, पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं और सात्विक भोजन नहीं मिलता है, तो ये यहाँ की पहचान है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको उनसे बातें करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा हॉल जो है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा वृंदावन आने वाले लोगों को पास ये वीडियो पहुँच सके, ताकि वो यहाँ पर आकर भोजन प्रसाद ले सकें। दोस्तों ऐसी ही मथुरा वृंदावन की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।